हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स कि नेक्स्ट डे के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टॉक्स को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहला स्टॉक्स है नाटको फार्मा। दोस्तों, आप इस स्टॉक्स को यहाँ पर देखोगे, टाइम फ्रेम है आपके लिए, यहाँ से देख सकते हो टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक्स में हमारे लिए डबल बॉटम का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पर स्टॉक्स में गिरावट थी, यहाँ पर स्टॉक्स आया, यहाँ से स्टॉक्स ऊपर गया, यहाँ से रेगुलर धीरे 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 स्टॉक्स में गिरावट आई और जहाँ पर पिछली बार स्टॉक्स ऊपर गया था वहीं पर आज उसने ग्रीन कैंडल बनाई है। दोस्तों, आज आप देखोगे तो पूरा मार्केट एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, तो इस स्टॉक्स ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है। अब मार्केट ओपन होने के बाद अगर इस ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस करता है तो हम इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट को हम यहाँ तक रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस ग्रीन कैंडल के नीचे, आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगला स्टॉक्स है अलेम्बिक फार्मा। दोस्तों, आप इस स्टॉक्स को देखोगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था, मैं इसको बताऊँ, मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था कि ये स्टॉक्स एक रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक्स इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो इस स्टॉक्स में हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर हम इसकी पास्ट हिस्ट्री को देखें तो आप यहाँ पर देखोगे एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से आपके लिए एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी एरिया में आने के बाद ये स्टॉक्स बार बार यहाँ से बाउंस ले रहा था। एक बार यहाँ पर आया, इसने बाउंस लिया, यहाँ पर आने के बाद बाउंस लिया, यहाँ पर आने के बाद बाउंस लिया, तो ये जो एरिया है वो सपोर्ट की तरह कार्य करता। स्टॉक्स यहाँ पर आया, इसी एरिया में आने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आप यहाँ पर देखोगे फिर उसी एरिया में आया और ऊपर आने के बाद फिर इसने इस एरिया को ब्रेक किया, यानी कि इस एरिया में आने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। अब आप नीचे देखोगे, ये स्टॉक नीचे आया, इसी एरिया में आया, सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया है। अब आप यहाँ पर देखोगे ब्रेक करने के बाद स्टॉक्स फिर से उसी एरिया में यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आया है, आज उसने ग्रीन कैंडल बनाई है। अब मार्केट ओपन होने के बाद अगर इस ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक्स में आपके लिए अपसाइड में एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके लिए एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का एन पैटर्न बन रहा है। अब स्टॉक इस तरीके से ऊपर जा सकता है, तो इस कैंडल के हाई पर आप एंट्री ले सकते हो और इस कैंडल के लो पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। दोस्तों, किसी भी स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले आप अपनी खुद उस पर रिसर्च कर लो और दोस्तों जिस स्टॉक्स पर आपके लिए कॉन्फिडेंस आए आप उस स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हो। आप किसी के भी कहने पर किसी भी स्टॉक्स में एंट्री ना लें, किसी भी स्टॉक्स में एंट्री से पहले खुद अपनी रिसर्च जरूर करें। अगला स्टॉक्स है कैनरा बैंक। दोस्तों, आप इस स्टॉक्स में देखोगे ये स्टॉक्स आपके लिए 44 मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, आप यहां पर देखोगे आज के जो इस स्टॉक्स की ग्रीन कैंडल है वो 5.5% की ग्रीन कैंडल है, यानी कि इसने ग्रीन कैंडल तो 44 मूविंग एवरेज पर बनाई है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बनाई है। अब आप यहां पर देखोगे यहां पर भी इसने 44 मूविंग एवरेज पर बिग कैंडल बनाई थी लेकिन उसके बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया है। अब इसने यहां पर फिर से एक बिग कैंडल बनाई है, तो अब यहाँ पर अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो जो आप टारगेट रख सकते हो वो इस ग्रीन कैंडल का ही, जो जितनी ग्रीन कैंडल है उतना ही आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हो, अन्यथा आप इस स्टॉक्स को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। इससे बढ़िया होगा कि आप दूसरा स्टॉक्स है 44 मूविंग एवरेज पर, उस पर ट्रेड ले सकते हो। दूसरा स्टॉक्स है नेशनल एल्यूमिनियम। दोस्तों, आप इस स्टॉक्स में देखोगे ये स्टॉक्स कंटिन्यू 44 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा बाउंस ले रहा है। आप यहाँ पर देखोगे ये 44 मूविंग साइडवेज में था, इसने यहाँ पर इसको क्रॉस किया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर देखो किस तरीके से इसने बाउंस लिया है, फिर से नीचे आया, 44 मूविंग एवरेज पर ग्रीन कैंडल बनाई, किस तरीके से इसने बाउंस लिया, यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर देखो किस तरीके से प्रॉफिट हुआ। आज इसने फिर से ग्रीन कैंडल बनाई है, कल ग्रीन कैंडल बनाई थी, आज उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, यानी वहीं पर जहां पर मार्केट ओपन हुआ है लगभग वहीं पर आज क्लोजिंग दी है। तो इस स्टॉक्स पर आप ट्रेड ले सकते हो क्योंकि आपका यहां पर स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, आपका टारगेट आप यहां तक रख सकते हो इस रेजिस्टेंस एरिया तक। तो अगर आपके लिए 44 मूविंग एवरेज पर ही ट्रेड लेना है तो आप कैनरा बैंक की जगह नेशनल एल्यूमिनियम पर ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग रेगुलर मेरी वीडियो को देख रहे होगे तो आज मार्केट में बहुत अच्छा उछाल आया है और पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए जितने भी स्टॉक्स बताए थे उन सारे स्टॉक्स में हमारा प्रॉफिट हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था आरती इंडस्ट्री,
दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए इस स्टॉक्स के बारे में बताया था कि स्टॉक्स एक रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है। अगर इस जो ग्रीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस करता है तो हम इस स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इस स्टॉक्स में मैंने खुद ट्रेड लिया था और आप देख सकते हो कि आज इसने किस तरीके से यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पर देखो 5% तक का प्रॉफिट हो चुका है। यहीं तक का मैंने टारगेट रखा था और आज मेरा यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका है, तो मैं इससे एग्जिट हो गया हूँ। अगर आपने इसमें ट्रेड लिया है तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अगला स्टॉक्स भी मैंने आपके लिए बताया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर में बताया था। अगर मैं आपके लिए सर्च करके दिखाऊँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आप इस स्टॉक्स को भी देखो तो मैंने आपके लिए इस स्टॉक्स में ही बताया था कि ये स्टॉक डबल पैटर्न डबल बॉटम का पैटर्न बना रहा है। इस स्टॉक्स में हम एंट्री ले सकते हैं इस ग्रीन कैंडल के हाई पर। मैंने इसमें एंट्री ली थी और आज मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर आपने इस स्टॉक्स में भी एंट्री ली थी तो यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट हुआ है। लगभग जितने भी स्टॉक्स पिछली वीडियो मैंने आपके लिए बताए थे वो स्टॉक्स वहीं पर ट्रेड करते करते आज एकदम से मार्केट में बहुत अच्छा उछाल आया है और जितने भी स्टॉक्स में एंट्री ली होगी आपने वहाँ पर आपका सबका प्रॉफिट बुक हो चुका है। दोस्तों मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपने पूरे मनी को नहीं लगाता। जितने भी स्टॉक्स मेरे लिए लगते हैं कि इन स्टॉक्स में ट्रेड ले सकता हूं तो मैं थोड़ी थोड़ी मनी सब स्टॉक्स में लगाता हूं, ताकि अगर हमारा स्टॉप लॉस भी होगा तो स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा होगा और टारगेट होगा तो उसका हमारे लिए डबल टारगेट मिल जाता है। और भी स्टॉक्स थे, डालमिया भारत लिमिटेड था, मैंने आपके लिए उसमें ही बताया था, उसमें भी आज मेरा प्रॉफिट हुआ है। और गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड में भी आज मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। 3, 4 या 5 स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स में से आज मैं एक बाहर हो चुका हूँ अपना प्रॉफिट बुक करके। अब अगले दिन के लिए स्टॉक्स देख रहा हूँ कि किस स्टॉक्स में हमारे लिए एंट्री मिल सकती है। तो अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपका भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। अगला स्टॉक्स है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। दोस्तों मैंने आपके लिए इस स्टॉक्स में कई बार बताया कि इस स्टॉक्स में हमारे लिए जब भी सपोर्ट पर ट्रेड मिलता है यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, एक अच्छा ये बाउंस लेता है और इस रेजिस्टेंस एरिया में आने के बाद इसमें फिर से फॉल आता है। अगर हम पीछे लेके चलूँ मैं आपके लिए तो आप देख सकते हो कम से कम हमारे लिए 10 से 12 बार इस स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रेड मिला है। लोड हो रहा है चार्ट, आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से ये सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा है। कितनी बार स्टॉक्स इस सपोर्ट एरिया में आने के बाद बाउंस लेता है और यहाँ पर हम अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे आज लगभग 3.5% की इसने ग्रीन कैंडल बनाई है। मैंने आपके लिए इस ग्रीन कैंडल पर बाय करने के लिए कहा था कि इसमें आप बाय करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हो। आप यहाँ पर एंट्री लोगे और आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर भी आज देख सकते हो 3.5% का प्रॉफिट हुआ है। मैं अभी इस स्टॉक्स में एग्जिट नहीं किया हूँ, मैंने यहाँ पर 5% का टारगेट रखा था। हो सकता है कल मार्केट ओपन होने के बाद यानी कि सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तब ये स्टॉक्स हमारा यहाँ पर टारगेट बुक कर पाए। तो इस स्टॉक्स पर भी आप अपनी नज़र बना के रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी हमारे लिए एक अच्छा भी अपसाइड में मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अगला स्टॉक्स है जय भारत मारुति। दोस्तों आप इस स्टॉक्स में देखोगे इस स्टॉक्स में हमारे लिए ट्रिपल बॉटम का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो स्टॉक्स में रेगुलर गिरावट थी, यहाँ पर स्टॉक्स आया ऊपर गया, यहाँ पर आया इसने ग्रीन कैंडल बनाई ऊपर आया, यहाँ पर डबल बॉटम का पैटर्न बना और आप देख सकते हो डबल बॉटम में हमारे लिए किस तरीके से प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद स्टॉक्स फिर से नीचे आया और आज इसने फिर से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई है। पूरे मार्केट ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ इसलिए यहाँ पर इसने भी ग्रीन कैंडल बनाई है और हमारे लिए यहाँ पर ट्रिपल बॉटम का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये स्टॉक्स इस ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस करता है तो इसमें हमारे लिए आने वाले दिनों में यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं जो कि 4 या 5% का होगा। तो आप यहाँ पर तो इस स्टॉक्स को भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रखेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और आप उसका टारगेट यहाँ तक रख सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें मार्केट ओपन होने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों किसी भी स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले आप उस स्टॉक्स पर खुद की रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद।